बारडा से शानदार जीत के बाद समर्थकों के बीच श्रीमती नैना चौटाला। साथ हमारा संघर्ष है, डॉक्टर जी सिंह चौटाला और नैना के साथ बहुत लंबा संघर्ष है। एक दिन की बात हो रही है तो हम लोग सभी ने ऐसा भाईचारा कायम रहे ताकि आने वाले समय में और विधायक और हम सबका एक लोगों के अंदर सम्मान बढ़े। बहुत ही मान सम्मान के युग मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग मेरे नौजवान बच्चों जिनमें जोश और जुनून में कभी कूद को भरा हुआ मेरी माता शक्ति मेरी बहनें मंच पर विराजमान पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण मेरे भाई नरेश द्वारका जी मंगोला जी शीला बाल जी लिटाणी जी हमारे मैं तो उनको विधायक ही कहूंगी पूर्व विधायक मैं तो लगाती हूँ राजदीप के आगे मेरा छोटा भाई विधायक राजदीप फोगाट क्योंकि जिन्होंने मैं कहूंगी ये त्याग होता है अपनी टिकट दूसरे को देना बहुत बड़ा त्याग मैं कहूंगी ये भी अपने आप में ना कोई भी बातें जो है वो सारी उम्र शायद एक ऐसी डायरी में लिखी जाती है जो आदमी को शायद हर बार याद करने पे मजबूर वो चीज हमेशा राजदीप के
जाके देखी थी। हाँ, मेरे बड़े भाई ओम प्रकाश बोदारा जी, अंकल रघुवीर छिल्लर जी, राजू मान जी और घर बैठे अंकल रन सिंह मान जी, मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। ओम दारा जी और कोई रह गया तो पूरा सम्मानित मंच टोटलिया जी, जो सबसे ज्यादा मैं कहूँ नारे लगाने में नंबर वन है। सबसे पहले तो मैं आपको आपकी इस जीत पर एक एक व्यक्ति विशेष का मैं मेरे पास ना शब्द नहीं है, मैं कैसे आप लोगों का धन्यवाद करूं। मतलब 4 तारीख को मैं आई थी, मैं तो इमोशनल होगी थोड़ी। इतनी गर्म जोशी से आप लोगों ने, मतलब मैं कहूंगी कि जिसको कहते हैं ना पलकों पर बिठाकर रखना, आप लोगों ने इतना मान सम्मान और प्यार मुझे दिया था कि मतलब मैं सोच रही थी, मतलब मैं दबा थी जब आ रही थी तो मेरे मन में बड़ी इतना करते बताओ बहुत ज्यादा। हाँ तो मैं इनका भी जा रही हूँ, पर आप लोगों के बारे में मैंने सुना बहुत था, मैं आई भी थी कई बार अजय सिंह जी के, पर वो 4 तारीख वाला दिन जो है वो शायद मेरी जिंदगी में एक सुनहरी पलों में नहीं लिखा जाता, वो लिखा गया। और आपने हर कार्यकर्ता ने, चाहे वो मेरे बड़े हो कवि हर सिंह मान जी, कमल छिल्लर जी, नरेश द्वारका जी, ओम प्रकाश गोदारा जी, राजदीप फोगाट जी, राजेंद्र लिताणी जी और ईश्वर मान जी, शीला बयान जी, ओम दारा जी, पोटरिया जी, जितने भी राजू मान, मैं कहूँ इन लोगों ने तो अपने में मैं कहूँगी बड़े भाई का जो दायित्व निभाया है, उसके साथ साथ मैं कहूंगी मेरे एक एक कार्यकर्ता ने, कार्यकर्ता पुलिस कार्यकर्ता, हर व्यक्ति ने इस इलेक्शन को मेरी मातृशक्ति ने एक बात में कहीं साथ दिया, आप लोगों ने मेरा सबने इस इलेक्शन को जो है वो 14 दिन में अपना इलेक्शन मानकर, हर आदमी ने अपने आप को अजय सिंह जी मानकर, दिग्विजय दुष्यंत मानकर, महिलाओं ने मैना मानकर, क्या लोगों ने लड़ा है। मैं तो आप लोगों के आगे में नमस्कार होगी, मुझे विधायक बनाने से मैं कहती हूँ आपने तो मेरे कंधों पे इतना ऋण डाला करके उतारने का तो करो। बाकी मैं आपके हर सुख दुख में, आपके हर काम में मैं कभी आपको ये मौका नहीं दूंगी कि मैं ना चौटाला हारे वहां खड़े नहीं, आप एक आवाज दो मैं दो बार आऊंगी आप लोगों के पास। ये शिकायत तो मैंने 5 साल दिवाली में भी शायद कभी कोई कार्यकर्ता वाकई ये बात नहीं कह सकता कि नैना चौटाला जो है वो हमारे पहुंचे नहीं। तो मैं आपसे भी वादा कर रही हूँ इस चीज का कि आपके हर सुख दुख में, आपके हर काम में ये नैना चौटाला हमेशा आपके साथ खड़ी मिलेगी, ये मेरा आप लोगों से वादा है। बाकी ये अजय सिंह जी की कर्म भूमि है, आप लोगों ने अजय सिंह जी को हमेशा प्यार मान और सम्मान दिए। मैं जाके मैं कहूंगी अजय सिंह जी से भी, अभी कल जैसे दुष्यंत मिल के आए तो हो सकता है वो अगले सोमवार तक हमारे पास आ जाए, पर मैं आप लोगों का संदेश उनको जरूर भेजने की कोशिश करी कि आपकी कर्म भूमि में पहले भी दवाई अजय सिंह जी की कर्म भूमि थी, उन्होंने मुझे विधानसभा भेजने का काम किया, अजय सिंह आगे आगे मुझे लग रहा है मैं पीछे पीछे। हाँ आज बाघा जो है उन्होंने अजय सिंह जी को भी पलकों पर बिठा कर रखा था, बहुत मान मान सब कुछ दिया उन्होंने, आज उसी बागड़ा में मुझे भी विधानसभा देखने का काम किया। मैं ये आपका संदेश जो है वो अजय सिंह जी को जब भी मेरी बात होगी मैं देखने का काम करूंगी। अब मैं आपको कैसे, मेरे पास तो शब्द नहीं है कि मैं धन्यवाद कैसे करूं आप लोगों का। दस महीने की इस पार्टी में पूरे हरियाणा में, चाहे हम 12 सीट लेके क्यों ना पहुंचे, तो पूरे हरियाणा में जननायक जनता पार्टी ने आज सुबह से कल कर्मचारी का काम करते हैं। ये सब
भारत में जने जने की जुबान पर बीजेपी हो रही है। सब मैं कहूंगी कि हर आदमी ने जननायक जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरी हरियाणा में लड़ूंगी कि उस आदमी ने ही नहीं सोचा कि दुष्यंत चौटाला ने नई पार्टी बनाई है। अजय सिंह जी इसकी नींव रखे गए थे, पर हर आदमी ने इसको ये सोचा कि नहीं, ये उनकी पार्टी नहीं, मेरी खुद की पार्टी है, मुझे काम करना है। हर आदमी ने 10 महीने मैं कहती किसके घर में काम नहीं था, किस महिला को काम नहीं था, पर हर महिला ने, हर आदमी ने, हर बड़े बुजुर्ग ने, मैं कहती मैंने इतने बुरे बुरे लोगों को भी देखा है, इनसे चला नहीं जा रहा था, फिर भी वो अपना बोटा वो गेड़िया ले लेके ना, मैं कहती गाड़ियों के साथ साथ चलना, तो मैं इनको कैसे बोल सकते हम लोगों को आपका एहसान ले करूंगी, मतलब मेरे पास सच में कह रही कोई शब्द नहीं आप लोगों का धन्यवाद करने के लिए। तो मैं एक एक व्यक्ति विशेष का अजय सिंह जी की तरफ से, दुष्यंत की तरफ से, दिग्विजय की तरफ से,